स्टूडेंट्स वेलकम है आपका एचएमटी की क्लास में। देखिए पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये लंबा डेरिवेशन था, तो इसको कंप्लीट होने में हम लोगों को 3 दिन लगा था। 3 वीडियो में वो कंप्लीट हुआ था, तो वो वीडियो जो अपलोड हुआ है वो आपका Part 1, Part 2, Part 3 ऐसे अपलोड हुआ है। जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट Part 1, Part 2, Part 3। ठीक, आगे आज हम देखेंगे दूसरे जो सिंप्लीफाई हीट कंडक्शन इक्वेशन है वो, मतलब उसी के बेस पे जो आप इसके पहले वीडियो में देखे हुए हैं, जो इक्वेशन आया था जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन, उसी के बेस पे आगे दूसरे जो इक्वेशन डिराइव होंगे, कुछ कंडीशन पुट किया जाएगा उसके बेसिस पे, वो देखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोगों का उस दिन आया क्या था, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, वो जो इक्वेशन 10 था वही आया था। ठीक, तो वो देखिए उसको एक तक हम लिख देते हैं, क्या था जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये था, ये हम लोगों का आ गया था इक्वेशन। क्या आया था, कर्ल वाई कर्ल एक्स के एक्स कर्ल टी वाई कर्ल एक्स। ठीक, यही आया था, ऐसे ही वाई के फॉर्म में आया था। कर्ल वाई कर्ल वाई के वाई कर्ल टी वाई कर्ल वाई प्लस के जेड प्लस कर्ल वाई कर्ल जेड के जेड कर्ल टी वाई कर्ल जेड। इसके आगे क्या आया था, QG ना, क्या आया था QG, स्मॉल QG था कि कैपिटल QG था, स्मॉल QG था कि कैपिटल QG था, स्मॉल QG था। हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ठीक, और ये किसके इक्वल था, किसके इक्वल था, रो सी डेल टी बाई डेल टाउ। ये इक्वेशन अपना क्या था, इक्वेशन 10 था। इसी को हम कहते हैं जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। आई बात समझ में। अब देखिए क्या है, इसी इक्वेशन का दूसरा नाम है डिफ्यूजन इक्वेशन। इसी इक्वेशन का दूसरा नाम है डिफ्यूजन इक्वेशन। चाहे आपसे पूछे जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या डिफ्यूजन इक्वेशन पूछे, तब भी आपको यही चीज डिराइव करना है, यहां तक लाना है। ठीक, ये चीज लाने के लिए जो कंडीशन थी अपनी वो क्या थी, कि मटेरियल जो था वो क्या था, नॉन होमोजीनियस था। कंडीशन क्या थी, मटेरियल जो था वो क्या था,
नॉन होमोजीनियस, ठीक। उसके अलावा क्या था, अनस्टेडी, अनस्टेडी थ्री डायमेंशनल, अनस्टेडी थ्री डायमेंशनल हीट फ्लो। जो हीट फ्लो था वो थ्री डायमेंशनल था, अनस्टेडी था। उसके अलावा एक कंडीशन क्या थी, एजम्पशन क्या था बताइए, सेल्फ हीट जनरेटिंग, सेल्फ हीट जनरेटिंग, एक ये तीन कंडीशन थी, ये तीन एजम्पशन थे, ये तीन एजम्पशन थे। इन तीनों एजम्पशन के बेसिस पे ही अपना ये इक्वेशन आया था, और इसी इक्वेशन को हम कहते हैं डिफ्यूजन इक्वेशन, ठीक। अब क्या है, ये चीज पहले हो चुकी है, जितना चीज बताया ये पहले पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अब क्या है कि कुछ कंडीशन लगाएंगे हम, कुछ कंडीशन लगाएंगे और उसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन जो है वो चेंज होगा, और चेंज होने के बाद जो इक्वेशन मिलेगा उसका कुछ ना कुछ नाम होगा। मतलब इस इक्वेशन से अभी हम लोगों को बहुत इक्वेशन मिलेंगे, अलग अलग टाइप के पॉइजन इक्वेशन मिलेंगे, लैपलेस इक्वेशन मिलेंगे, अलग अलग चीज मिलेगा, वो सब इसी से मिलेगा अलग अलग कंडीशन लगाने पे, ठीक है। तो देखिए, अब आपसे कोई कहे कि आप लिखिए जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन लिखना है आपको किसके लिए, कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी के लिए। मतलब थर्मल कंडक्टिविटी क्या है आपका, कांस्टेंट है। आपको मान लीजिए दे दें कि ये निकालिए, ये इक्वेशन निकालिए, क्या है जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी, ये दिया है, एक ये आपको निकालना है, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी। मतलब कंडक्टिविटी उसकी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो kx की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ky के, और ky की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, kz की, और ये सब आपस में इक्वल है तो उसको हम क्या मान लेंगे, k। कहने का मतलब क्या है, कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब हुआ, कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब हुआ kx इक्वल टू ky इक्वल टू kz इक्वल टू k, इक्वल टू क्या हो गया, k, कांस्टेंट हो गया थर्मल कंडक्टिविटी। अब इसमें सब की जगह पे हम क्या लिख देंगे, k लिखिए इस इक्वेशन में, इक्वेशन 10 में kx ky kz की जगह पे क्या लिखेंगे, k, तो क्या हो जाएगा, कर्ल y कर्ल x k, कर्ल t by कर्ल x प्लस कर्ल y कर्ल y k, कर्ल t by कर्ल y प्लस कर्ल y कर्ल z k, कर्ल t by कर्ल z प्लस qg इक्वल टू कर्ल टी बाई कर्ल टाउ। कुछ गलत है इसमें, गलत नहीं होना चाहिए,
भाई हमने क्या किया, के एक्स के वाई के जेड की जगह पे क्या लिख दिया, के लिख दिया। ठीक, अब क्या किया जाए, इस के को कॉमन लिया जा सकता है, इस के को कॉमन लिया जा सकता है, या कॉमन लेना ये नहीं समझ में आ रहा है तो हम ये लिख सकते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाई के। एक क्या है एल एच एस और एक क्या है RHS, एक लेफ्ट हैंड साइड है एक राइट हैंड साइड है, दोनों साइड में क्या किया जाए K से डिवाइड किया जाए। ठीक, तो देखिए क्या होगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय के, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय के। अब ऊपर कलर मिटाने जाएगा, हमने क्या किया इस इक्वेशन में के से डिवाइड किया, ये के क्या है कॉमन ले लिया जाएगा, इसमें भी के है, इसमें भी के है, इसमें भी के है, इसमें इसके बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के, अब वो के से के क्या हो जाएगा, जो नीचे डिवाइड किया गया है कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अभी एक मान लीजिए आप लिखते हैं इस इक्वेशन को तो क्या लिखेंगे, कर्ल स्क्वायर टी बाई कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर टी बाई कर्ल वाई स्क्वायर। ठीक, के हटा लिए हैं कॉमन है और डिवाइड किए हैं के से, तो ये वाला के खत्म हो जाएगा, बाकी जहां के नहीं है वहां डिनोमिनेटर में के आ जाएगा। कर्ल स्क्वायर टी बाई कर्ल एक्स स्क्वायर कर्ल स्क्वायर टी बाई कर्ल वाई स्क्वायर कर्ल स्क्वायर टी बाई कर्ल जेड स्क्वायर प्लस क्यू जी बाई के इक्वल टू रो सी बाई के डेल्टी बाई डेल्टा। ठीक, कोई दिक्कत। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, ये रोसी है ना, इसको इससे डिवाइड करेंगे के से, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करने पे, ऑन दैट सिंप्लीफिकेशन we have curl square t by curl x square plus curl square t by curl y square plus curl square t by curl z square plus qg by k equal to 1 अपॉन के अपॉन रो सी इंटू डेल टी बाई डेल टाउ। एक मैथमेटिकली ये इक्वेशन सही है कि गलत है, सही है ना, सही है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है इस इक्वेशन में। भाई हमने क्या किया, हमने क्या किया कि ये के था ये रोसी था, इसको के से डिवाइड किया, यहाँ नीचे ले आया, यही रोसी बाई के को हम वन अपॉन के बाई रोसी लिख सकते हैं। ठीक, अब आ जाइए क्या होता है,
जो के बाई रोसी है इसको हम कहते हैं अल्फा, के बाई रोसी जो है इसको हम कहते हैं डिनोट करते हैं अल्फा से, और इस अल्फा को कहते हैं थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी। इस अल्फा को कहते हैं थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी, ठीक है, के बाई रोसी को। अब के बाई रोसी को हम अल्फा कहते हैं, अल्फा क्या है, थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी, ठीक। अब कोई पूछेगा कि थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी होता क्या है, तो थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड स्पेसिफिक हीट, ठीक, इसी को डिफाइन कर देना। अब k बाई रोसी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा लिख सकते हैं, k बाई रोसी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई अल्फा, लिखिए लिखिए क्या होगा, कर्ल स्क्वायर t बाई कर्ल x स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर t बाई कर्ल y स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर t बाई कर्ल z स्क्वायर प्लस क्यू जी बाई के इक्वल टू 1 बाई अल्फा कर्ल t बाई कर्ल टाउ, कर्ल t बाई कर्ल टाउ, ठीक है, इस चीज को लिखे हम, इस चीज को लिखे, क्या मिला, कर्ल स्क्वायर टी बाई कर्ल एक्स स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर टी बाई कर्ल वाई स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर टी बाई कर्ल जेड स्क्वायर प्लस क्यू जी बाई के इक्वल टू 1 बाई अल्फा कर्ल टी बाई कर्ल टाउ। आई बात समझ में, ये जो चीज है, ये जो इक्वेशन आया है आपका, ये जो इक्वेशन आया है, ये आपका क्या आया है, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक। ये जो इक्वेशन है ये किसके लिए है, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर कॉन्स्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी। आई बात समझ में, यही चीज पूछा गया था। अब एग्जाम में क्या है, हो सकता है आपसे पूछे जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन निकालिए, कह दे कि डिराइव द जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर नॉन होमोजीनियस मटेरियल। तो जब नॉन होमोजीनियस कहेगा तो इसके पहले वाला जो इक्वेशन था, इक्वेशन 10, जिसमें के एक्स के वाई के जेड था, वहीं तक लाना होगा। फिर आपसे क्वेश्चन में कह दिया कि डिराइव द जनरल जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी। अब एक कंडीशन दे दिया, क्या कंडीशन दे दिया, कि कंडक्टिविटी जो है वो आपकी क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, के एक्स के वाई के जेड वो इक्वल हो जाएगा के के, वो इक्वल हो जाएगा के के। तो उसके अकॉर्डिंग जब निकालेंगे तो आपको ये चीज मिलेगा, क्या मिलेगा, कर्ल स्क्वायर टी बाई कर्ल एक्स स्क्वायर कर्ल स्क्वायर टी बाई ये चीज 1 बाई अल्फा कर्ल टी बाई कर्ल टाउ, जहां पे अल्फा क्या है आपका, थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी। आई बात समझ में, अब चलिए आगे चलते हैं।
थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी का पढ़ लीजिए, ठीक है? क्या है इसी में आया है तो थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी अल्फा क्या होता है, के बाई रो सी, एक रो क्या होता है डेंसिटी, ये क्या होता है स्पेसिफिक हीट, ये क्या होता है थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक। कॉन्सेप्ट क्या है कि थर्मल डिफ्यूजिविटी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, लार्जर द वैल्यू ऑफ थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी, थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा लार्जर द वैल्यू ऑफ थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी लार्जर द अमाउंट of heat transfer। कहने का मतलब क्या है कि थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा अमाउंट में हीट आपका क्या होगा ट्रांसफर होगा, मतलब कि मटेरियल की उतनी ही ज्यादा मटेरियल की उतनी ही ज्यादा कैपेबिलिटी होगी, मटेरियल की उतनी ही ज्यादा कैपेबिलिटी होगी हीट को फ्लो करने की, हीट को फ्लो करने की उतनी ही ज्यादा कैपेबिलिटी होगी जितनी ज्यादा क्या होगी थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी। अब थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी ज्यादा कब कब हो सकती है, थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी ज्यादा कब कब हो सकती है, थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी ज्यादा तब हो सकती है, थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी ज्यादा तब हो सकती है जब आपकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो ज्यादा हो। कोई ऐसा मटेरियल ले लीजिए जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है तब भी आपकी थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी क्या होगी ज्यादा हो सकती है, या जो डेंसिटी है और स्पेसिफिक हीट है इसका जो प्रोडक्ट है या इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो कम हो, वो क्या हो कम हो तो क्या होगा आपकी थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी ज्यादा हो सकती है, ठीक। बात समझ में आई क्या कह रहा हूं, थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी किसी की ज्यादा तब हो सकती है यदि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा हो या उसकी डेंसिटी और स्पेसिफिक हीट क्या हो कम हो। जैसे कि मान लो यहां है 20, ठीक, यहां है 20 और यहां है 80/4, सही है, 80 को 4 से डिवाइड किया जाएगा तो क्या आएगा 20 आएगा ना। अब तुम कह रहे हो कि तुमको 20 नहीं चाहिए, 20 से ज्यादा वैल्यू चाहिए, 25 चाहिए, ठीक, 25 चाहिए, 20 ना चाहके तुमको क्या चाहिए 25 चाहिए, तो 25 चाहने के लिए तुम क्या कह सकते हो इसको बढ़ा सकते हो, 100 को क्या किए 80 को क्या किए 100 बना दिए, बाकी चीज ऐसे करने दिए उसकी कंडक्टिविटी वाला बढ़ा दिए, तो क्या हो गया ये क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, तो इसमें क्या किए कंडक्टिविटी बढ़ा दिए तो आ गया, या 25 चाहते हो
तो इसकी वैल्यू क्या क्या करो, घटा दो, 25 चाहते हो तो 80 कहने दो और इसकी वैल्यू घटा दो, ठीक। कितनी वैल्यू आएगी, x इक्वल टू हो जाएगा 80/25, 5 5 25 5 5 5 16 16/5 16/5, अगर यहाँ पे 16/5 लिख दोगे, ठीक, वो क्या हो जाएगा, 16/5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3.2। अगर कि तुम 3.2 से 80 को डिवाइड करोगे तब भी वैल्यू तुमको क्या मिल जाएगी, 25, तब भी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 25। 20 है, इसको बढ़ाना है डिफ्यूजिबिलिटी को, तो एक ऑप्शन ये है कि ऊपर कर ले उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा दिया जाए, वहां 100 क्या कर दो, ये चेक कर दो, ये क्या आ गया, 25। एक ऑप्शन ये है 25 लाना है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि इस वाले को क्या कहो, घटा दो, इसको ऐसे ही कहने दो, 80 है इसको डिवाइड करके दो 3.2 से, ठीक, तब भी तुमको क्या मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा, बट यहाँ पे इस वाली चीज को घटाया गया। तो थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी का ये कॉन्सेप्ट है, आई बात समझ में। अब ये जो चीज आया है आपका जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी, इसको लैपलेस के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसको लैपलेस के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, क्या आया था, जनरल हीट कंडक्शन, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर कॉन्स्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी, क्या आया था, कर्ल स्क्वायर टी बाई कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर टी बाई कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर टी बाई कर्ल जेड स्क्वायर प्लस क्यू जी बाई के 1/α कर्ल टी बाई कर्ल टाउ, ठीक। अब ये आ गया आपका कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी के लिए, हम कह रहे हैं कि इसी इक्वेशन को लैपलेस के फॉर्म में लिखना है, मतलब कि बाई यूजिंग लैपलेसियन ऑपरेटर, ठीक, राइटिंग above equation by using Laplacian operator writing above equation we get हम क्या पाएंगे, लिखिए Laplace के फॉर्म में, Laplace का सिंबल मालूम है, हाँ, Laplace का सिंबल ऐसे होता है, ठीक, लैपलेस डेल स्क्वायर टी प्लस क्यू जी बाई के इक्वल टू 1/α कर्ल टी बाई कर्ल टाउ, ठीक। ये भी क्या है, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर कार्टेशियन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर कॉन्स्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी आपकी क्या है, कॉन्स्टेंट है, के क्या है, कॉन्स्टेंट है, आई बात समझ में। बट k
किस फॉर्म में लिखा गया है, किस ऑपरेटर का यूज किया गया है, लैपलेस का, लैपलेसियन ऑपरेटर, तो उससे आपको ये चीज मिल जाएगी। आई बात समझ में? अब आगे देखिए, आगे देखिए, अब क्या है हेडिंग, अदर सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन। अदर सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन। अब जो जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन हम लोगों का आया है, उसके बाकी जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो लिखना है, और उसके लिए क्या होगा, हमको अलग अलग कंडीशन दी गई होगी, क्वेश्चन में दिया गया होगा किसी ना किसी वे में, या सीधे सीधे देगा, इक्वेशन का नाम पूछेगा, या कुछ कंडीशन देगी और उसके अकॉर्डिंग आपसे कहेगा कि बताइए क्या होगा इक्वेशन। ठीक है क्या? When no internal, when no internal source of heat generation, when no internal source of heat generation, जब कोई क्या है इंटरनल सोर्स नहीं है हीट जनरेशन का, जब कोई इंटरनल सोर्स नहीं है हीट जनरेशन का तब क्या होगा, बट कंडक्टिविटी आपकी क्या है, कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट कंडक्टिविटी के लिए इक्वेशन आया था उसी में पुट करना है। ठीक, तो क्या था, कर्ल स्क्वायर टी बाई कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर टी बाई कर्ल y स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर t by कर्ल z स्क्वायर प्लस qg by k 1 by अल्फा del t by del tau। ठीक, ये हुआ। अब क्या किया जाए, क्या कहा है, no internal source of heat generation, इसका मतलब क्या है, इतने का मतलब क्या है, कोई हीट जनरेशन इंटरनली नहीं हो रही है, कोई भी स्रोत नहीं है हीट जनरेट होने का अंतर्गुनी से, इसका मतलब क्या हुआ, QG क्या है, जीरो है, इस लाइन का यही मतलब हुआ। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, QG की वैल्यू जीरो, तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, बचेगा क्या, कर्ल स्क्वायर टी बाई कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर टी बाई कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर टी बाई कर्ल जेड स्क्वायर इक्वल टू वन बाई अल्फा कर्ल टी बाई कर्ल टाउ। आ गया ये इक्वेशन। ठीक, ये आ गया आपका। इसको लैपलेस के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लैपलेस, लैपलेसियन ऑपरेटर का यूज किया जाएगा, क्या लिखेंगे, लैपलेस ऑपरेटर स्क्वायर टी इक्वल टू वन बाई अल्फा डेल टी बाई डेल टाउ।
1 by alpha del t by del tau. और इस इक्वेशन को चाहे इसको कह लीजिए ठीक या इसको कह लीजिए ठीक इसको कह लीजिए चाहे इसको कह लीजिए इसको हम कहते हैं फोरियर इक्वेशन. ये क्या है? फोरियर इक्वेशन है. क्या है? फोरियर इक्वेशन. एक फोरियर कंडक्शन इक्वेशन हम लोग पढ़े थे जो लॉ ऑफ कंडक्शन था क्यू इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स. ये भी क्या है? फोरियर इक्वेशन है. ठीक वो फोरियर का क्या था? लॉ था या कंडक्शन लॉ था उसमें भी एक इक्वेशन आता है ठीक है. बट ये जो फोरियर इक्वेशन है ये जो इक्वेशन है ये किसके लिए है? कौन से कोऑर्डिनेट के लिए है? यहाँ पे लिख लीजिए कौन से कोऑर्डिनेट के लिए है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए है. कौन से कोऑर्डिनेट के लिए है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए. स्टार्टिंग में बताए थे ना जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, उसी के लिए है. आया इक्वेशन? ठीक है आगे देखिए. दो चीज है इसमें, इस कंडीशन में, इस केस में, केस फर्स्ट मान लीजिए, इस केस में दो कंडीशन है, नो इंटरनल हीट सोर्स ऑफ जनरेशन और ये थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? कांस्टेंट. उसी वाले इक्वेशन में पुट किया जाएगा जो जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए जब थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है उसी के लिए. तो आगे भी थर्मल कंडक्टिविटी हम कांस्टेंट मान के ही चलेंगे. अगला भी जो इक्वेशन निकालेंगे उसमें कंडक्टिविटी क्या है? कांस्टेंट. तो देखिए क्या होगा. केस टू देखिए. केस टू क्या है? व्हेन टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम. क्या है कंडीशन? कि जो टेम्परेचर आपका है वो क्या है? टाइम पे डिपेंड नहीं होगा. एक टाइम पे डिपेंड नहीं होगा. और एक जो कंडीशन था के कांस्टेंट है वो तो होगा ही होगा, वो तो होगा ही होगा, वो नहीं जाएगा, वो मान के चलना है. तो देखिए व्हेन टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, इसका मतलब क्या हुआ? जब टेम्परेचर आपका टाइम पे डिपेंड नहीं है. टाइम पे डिपेंड नहीं है मतलब कि टाइम चेंज होने पे टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा. मान लीजिए दो बजे टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, 3 बजे भी टेम्परेचर क्या है 50 डिग्री सेल्सियस, 5 बजे भी टेम्परेचर क्या है 50 डिग्री सेल्सियस. इसका मतलब क्या हुआ कि जो टेम्परेचर है वो क्या टाइम, टेम्परेचर जो है वो क्या टाइम पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, टाइम अलग अलग है बट टेम्परेचर क्या है? सेम है. टाइम के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है. ठीक तो कहने का मतलब क्या है? डेल टी बाई डेल टाऊ क्या हो जाएगा? डेल टी बाई डेल टाऊ क्या हो जाएगा? जीरो. डेल टी बाई डेल टाऊ क्या हो जाएगा? जीरो. डेल टी बाई डेल टाउ ये क्या हो जाएगा?
आपका जीरो। आई बात समझ में? तो इक्वेशन में लिखिए क्या था, कर्ल स्क्वायर टी बाई कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर टी बाई कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर टी बाई कर्ल जेड स्क्वायर प्लस क्यू जी बाई के इक्वल टू वन बाई अल्फा डेल टी बाई डेल टाउ। इक्वेशन हम कौन सा लिखे हैं, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी, मीन्स के एक्स इक्वल टू के वाई इक्वल टू के जेड। ठीक है, तो डेल्टी बाई कल टाउ क्या है अपना, जीरो है कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ये चीज खत्म हो जाएगा तो राइट हैंड साइड में आपको कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो बचेगा क्या, कर्ल स्क्वायर टी बाई कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर टी बाई कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर टी बाई कर्ल जेड स्क्वायर प्लस क्यू जी बाई के इक्वल टू जीरो। एक लैपलेस के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लैपलेस के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, बाय यूजिंग लैपलेसियन, बाय यूजिंग लैपलेसियन ऑपरेटर। By using Laplacian operator, Laplace operator का स्क्वायर t प्लस क्यू जी बाई के इक्वल टू जीरो। एक ये इक्वेशन चाहे ये इक्वेशन जो है दोनों को हम कहते हैं पॉइजंस इक्वेशन। क्या लिखेंगे, पॉइजंस इक्वेशन, जो पॉइजन है उनका इक्वेशन है ये पॉइजंस इक्वेशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये पॉइजन इक्वेशन हो गया, उसके पहले फ्रेयर इक्वेशन हो गया, एक उसके पहले जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी, ये तीन चीज हम लोग पढ़े हैं। ठीक, क्या क्या, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर कार्टेशियन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी, फ्रेयर इक्वेशन, पॉइजन इक्वेशन, ठीक, थर्मल डिफ्यूजिविटी। ठीक, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।